हरे पीले आम, सुर्ख लीची, लाल गुलाबी तरबूज, इन फलों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से जो फल खरीदते हैं वो कितना सुरक्षित है? क्या कभी आपने इस बात की जांच की है कि जिस फल को आप सेहत दुरुस्त करने के लिए खाते हैं, कहीं वो आपकी सेहत का दुश्मन तो नहीं? दिल्ली NCR समेत देश के कई शहरों में आम पकाने के लिए कार्बाइड से लेकर चाइनीज बुढ़िया और इंजेक्शन तक का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल के असर से कच्चे आम को आसानी से पका दिया जाता है, लेकिन ऐसे आम को खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह लीची को लाल सुर्ख बनाने के लिए उस पर लाल पेंट स्प्रे किया जाता है, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक है। तरबूज को अंदर से लाल और ज्यादा मीठा बनाने के लिए उसमें भी इंजेक्शन से कलर और सैक्रीन डाला जाता है। इसके अलावा सेब पर भी वैक्स कोटिंग की जाती है ताकि वो चमकीला दिखे। फलों में इस तरह की मिलावट पेट और लीवर की बीमारियों की वजह बन सकती है। एकदम अगर थोड़ी सी मात्रा में भी खाया जाए तो उसमें थोड़े चक्कर आ सकते हैं, नाजिया फीलिंग, उल्टियाँ फीलिंग हो सकती है, स्किन की इचिंग होना शुरू हो सकती है। इसीलिए आप जब भी फल खरीदें तो सावधान रहें। कृत्रिम तरीके से पकाए गए फल ना खरीदें, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार की सेहत को बिगाड़ सकते हैं।